नमस्कार दोस्तों, पीछे की वीडियो में आपने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जाना, समझा और पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता रही हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम के नेक्स्ट रूल्स किस प्रकार से होते हैं। ये रूल्स बहुत ही अच्छे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हर कंप्लीट क्लास में आते हैं और बहुत समय लड़के देते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। अब आज के बाद आपको ऐसे प्रश्न को कभी भी नहीं छोड़ना है, आंसर क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर निकालना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्या है इस क्वेश्चन में समझिए, देखते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल इकाई ढाई झगड़ा हजार 10,000 लाख। फैक्टोरियल 1 लाख तक आपको ये बताना है, अगर इन फैक्टोरियल को खोल दिया जाए और खोलने के बाद इनको ऐड कर दिया जाए, उसके बाद हम अगर 8 से भाग दें तो कितना शेष फल बचेगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे जानेंगे, उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं फैक्टोरियल के बारे में। इधर देखते हैं फैक्टोरियल 1 क्या होता है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू बेटा 1 ही होती है। अब फैक्टोरियल 2 है तो जितना 2 का मतलब ये हुआ, फैक्टोरियल 2 को जब हम खोलेंगे तो जब फैक्टोरियल को खोलते हैं तो जो नंबर होता है उसको लिख देते हैं और मल्टीपल में इसके छोटा नंबर होगा वो लिख देते हैं, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसी प्रकार अगर फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 2 × 1 अर्थात 6। फैक्टोरियल 4 की कितनी हो गई, 4 × 2 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो गया, 4 × 12 = 24। इसी प्रकार अगर हम फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे खुलता चला जाएगा। फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं आपको फिर बता दें, फैक्टोरियल 4 को खोला, जो फैक्टोरियल के साथ में नंबर होता है उस नंबर के पीछे के डिजिट मल्टीपल में करते चले जाते हैं और वो फैक्टोरियल खुल जाता है। अब ये जैसे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी थी, 24, इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 हो जाएगी। फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 प्लस, अब इसको अगर हम खोलेंगे तो फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 जब लिखेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 या यहाँ से समझो फैक्टोरियल 4 जो होगा वो फैक्टोरियल 5 के मल्टीपल में होगा, तो फैक्टोरियल 5 = 5 × 24 = 120 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल किसका मान हो गया, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो गई, तो हमें 4 में लिख दे 120 और प्लस ऐसे ही चलते रहो और प्लस फैक्टोरियल 1 लाख आए बिंदी है ना, अपॉन में कितना करेंगे 8। यहाँ समझे, 8 से जब डिवाइड करेंगे 1 में तो जो जिस नंबर से हम भाग देते हैं उससे छोटा वाला नंबर ही सदैव शेष फल होता है। तो प्लस का 1 यहाँ बचा, यहाँ प्लस का 2 बचा, यहाँ प्लस का 6 बचा, यहाँ जब प्लस का 6 बचा, यहाँ प्लस का 6 बचेगा, यहाँ 2 रिमाइंडर बचेगी, यहाँ प्लस का 6 बचेगा या माइनस का 2 बचेगा, या प्लस का 6 या माइनस 2, क्योंकि ऊपर के जो रिमाइंडर हो ऊपर जब शेष फल बचे इन दोनों का योग ये होना चाहिए। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, 6 और 2 को जोड़ने से नीचे वाला नंबर आ जाए, एक प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया, 2 हो गए। अब यहाँ से देखिए ये पूरा पूरा कट रहा है, 8 × 3 = 24, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अब 24 के इधर जितने भी मल्टीपल होंगे वो सभी 24 के मल्टीपल में होंगे। जैसे 120 को मैंने देखा, फैक्टोरियल 4 इसमें भी आएगा, जबकि फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू 0 हो रही है तो फैक्टोरियल 5 की भी 0 हो जाएगी, इसी प्रकार फैक्टोरियल 6 की भी हो जाएगी तो ये भी 0 हो जाएगा। जितने भी वैल्यू आएंगे वो सब फैक्टोरियल 4 के मल्टीपल होंगे अर्थात 24 के मल्टीपल होंगे। जब 24 के मल्टीपल होंगे तो ये सब 0 हो जाएंगे। ऊपर कितना बचा आपका, देखो 1 और प्लस का 2 माइनस का 2, जब यहाँ प्लस लगा होगा तो इन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ देखा मैंने, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, प्लस का माइनस से कट गया, अब बचा ऊपर क्या मात्र 1, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 1, यही आपका आंसर आ गया। दोस्तों इतना सिंपल क्वेश्चन बन गया और आपने समझा होगा, अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसी प्रकार से मैं लिख दूं फैक्टोरियल वन प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 और प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और प्लस चलते चले जाइए आप, प्लस फैक्टोरियल कोई भी नंबर हो और किसी से भी डिवाइड कर दें। सपोज हम यहाँ से
इसमें मात्र वो ये पूछते इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इसमें पूछते वो इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखा इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम आपको रूल्स बता रहे हैं। जब कभी भी हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो नोट में याद कर लेना सदैव 10 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 10 से। तो इस क्वेश्चन को आप 10 से डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 10 से डिवाइड करेंगे। जब भी हम इकाई का अंक याद करेंगे और कोई सीरीज दे दी जाएगी इस प्रकार से फैक्टोरियल में, तो इकाई का अंक याद करने के लिए हम हमेशा 10 से डिवाइड करते हैं। तो इसी प्रकार फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, 1 फैक्टोरियल 2 इनटू 1 2, और इसका क्या हो जाएगा, अभी देखो पीछे से 6, इसका क्या हो जाएगा 4 का 24, और इसका क्या हो जाएगा 5 का 120, और प्लस फैक्टोरियल 6 लिख दो, फैक्टोरियल 7, इसी प्रकार चलता चला जाएगा फैक्टोरियल 10000। अब आपको बेटा डिवाइड किससे करना है, 10 से। आपने समझा और देखा, आपने देखा जब 10 का डिवाइड मैंने 20 में किया तो यहाँ तक तो आप पूरा कट गया, यहाँ तक रिमाइंडर कितना आ गया 0, क्योंकि 10 को हम 12 टाइम्स जाएगा, 12 10 का भाग हम 12 बार जब पूरा करेंगे तो 120 बनेगा, तो 0 रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ के बाद जितने भी इस प्रकार डिजिट आएंगे वो सब 120 के मल्टीपल होंगे, जब 120 के मल्टीपल होंगे तो इसका मतलब हुआ इधर रिमाइंडर सबका 0 आ रहा होगा। अब मुझे रिमाइंडर निकालना है इधर, ये तो देखो प्लस का 1 बन गया, ये प्लस का 2 बन गया, यहाँ पर देखो दो प्रकार के बनेंगे, मैंने बताया था ऊपर के डिजिट जोड़ने पर 10 हो जाए, तो 6 तो प्लस का हो ही रहा है और माइनस का कितना हो रहा है 4। अब यहाँ आपने देखा 10 से काटो, एक तो प्लस का 4 बच रहा है क्योंकि 10 दूनी 20, और माइनस का बच रहा है छोड़ दो, तो आप प्लस वाला लिख लो, प्लस वाला लिख लो, प्लस का 4 या माइनस का 6, इस प्रकार बन रहा है देखो 6 4 10 हो गया नीचे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, इनमें से कोई एक डिजिट लिया करेंगे, मान लीजिए इन दोनों को प्लस प्लस को ले ले रहे हैं, प्लस का 1 प्लस का 2, इनमें से कोई एक ले लो तो माइनस का मैंने 4 ले लिया, इनमें से कोई एक ले लो प्लस का मैंने 4 ले लिया, 4 से ये 4 कट गया बेटा, बचा कितना 3, तो आपका जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 3। दोस्तों रिमाइंडर भी 3 आ गया, ये आप जो मैंने बताया था इकाई का अंक, तो 10 का भाग देने से सदैव इकाई का अंक निकलता है, मैंने अभी आपको बताया था इकाई का अंक जो निकला है वो क्या निकल के आ गया 3। फिर से एक बार समझ लो, जब कभी भी नंबर डिजिट में ये पूछे कि इकाई का अंक याद करो, तो इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए मैंने आपको रूल्स बता दिया है, नोट में हमेशा याद रखना, ये याद रखना इकाई का अंक याद करने के लिए सदैव अलग हम 10 से डिवाइड करते हैं, इकाई का अंक याद करने के लिए सदैव 10 से भाग देते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आगे हम फिर डालेंगे, अगर आपको अच्छे लगे हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, यदि कोई गलती हो समझ में ना आ रहा तो उसको रिस्पॉन्स आंसर देके वापस आंसर देके बताएं कमेंट करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।